हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय वीडियो। आज मैं ये वॉलनट ब्राउनीज़ बना रही हूँ, बगैर चॉकलेट और बटर के बनाएंगे। इजी टू मेक है, क्विक स्टेप्स हैं और इजी स्टेप्स हैं, तो फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दो अंडे ले रही हूँ, मेक श्योर करिएगा कि रूम टेम्परेचर पर हों अंडे। देन यहाँ पर हाफ कप मैं कास्टर शुगर ऐड कर रही हूँ, मैंने चीनी को पीस लिया था। एंड देन यहाँ पर और हाफ कप मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर ली है। तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैं चॉकलेट एसेंस का ऐड कर रही हूँ। चॉकलेट एसेंस से बहुत एक मज़े का और बहुत अच्छी सी स्मेल आती है चॉकलेट की, तो मेक श्योर करें अगर कोई चॉकलेट का केक या फजी ब्राउनीज़ बना रहे हैं या कोई भी ब्राउनीज़ बना रहे हैं चॉकलेट की हो, तो उसमें चॉकलेट एसेंस यूज़ करें, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देन यहाँ पे मैं बीटर से बीट कर लूँगी फॉर 7 to 8 मिनट्स, ताकि जो बैटर है हमारा थोड़ा सा फ्लफ़ी बन जाए। देन ऑन दी अदर हैंड मैं एक बोल में हाफ कप ऑयल ले रही हूँ और उसमें मैं यहाँ पे कोको पाउडर 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डच प्रोसेस कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जबकि ये डार्क होता है, लाइट नहीं होता, लाइट कलर का नहीं होता, डार्क कलर का होता है। देन ये कोको पाउडर का मैं मिक्सचर बैटर में ऐड कर लूँगी। देन एक बार फिर मैं बीटर से बीट करूँगी बैटर को। मेक श्योर अगर आप लोग चॉकलेट स्किप कर रहे हैं ब्राउनीज़ में, तो डच प्रोसेस वाला ही कोको पाउडर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। एंड देन मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर अच्छे से फिर एक बार मिक्स कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं वॉलनट के पीसेस ऐड कर रही हूँ, उनको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब वॉलनट्स के पीसेस डाले हैं। अब यहाँ पे मैंने 6.5 इंचेस का ब्राउन का मोल्ड लिया है, तो उसी हिसाब से मैंने बैटर भी तैयार किया था, क्योंकि मुझे इतने ही बैटर मोल्ड में मुझे बनाना था। और अच्छे से हम सारा अपना बैटर पोर कर देंगे और 3 से 4 बार टैप ज़रूर कीजिएगा, उससे जितने भी अंदर की एयर है वो सारी बाहर आ जाती है। फिर यहाँ ऊपर से मैं अखरोट के थिक चंक्स ऐड कर लूँगी और ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दूँगी चॉकलेट स्ट्रिप्स भी, वो ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने अपनी देगची चढ़ा ली थी जो कि इतनी यूज़ में नहीं है, और वायर रैग रख लूँगी और अपनी जो ब्राउनी का बैटर है वो रख लूँगी। प्री हीटेड मैंने ऑलरेडी पतीला कर लिया था 10 मिनट्स के लिए, और 20 से 25 मिनट में ब्राउनी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। एज यू कैन सी इसको 5 से 10 मिनट के लिए काउंटर टेबल पर छोड़ेंगे ताकि अच्छे से कूल डाउन हो जाए। देन हम इसको निमोल्ड कर लेंगे और पीसेस में कट कर लेंगे। होप यू गाइज लाइक माई टूडेज रेसिपी एंड गिव माई वीडियो ह्यूज थम्स अप। अपने घरों में ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। सो ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।